नमस्कार दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जो कि भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे थे, उन्होंने जीवन में काफी सफलताएं हासिल करी, लेकिन उनकी इन्हीं सफलताओं से पहले एक कठिनाइयों भरा जीवन भी रहा था। उनके जीवन की इन्हीं कुछ कठिनाइयों के किस्से हम आपके सामने लेके प्रस्तुत हुए हैं एक नाटक के रूप में, जो कि है कुछ इस प्रकार। दृश्य एक। अच्छा तो बेटा, कल सब अपनी फीस लेके आ जाना, क्योंकि कल से मैं विद्यालय जाऊंगा सुबह सुबह पढ़ाने, तो अब मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊंगा। चलो ठीक है बेटा, जो बच्चा सुबह 4 बजे मुझसे पढ़ने आएगा, मैं उसे बिना फीस के पढ़ाऊंगा। पर सर, हमारे घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं है सर, और हम में से कई लोग फीस तक नहीं भर सकते हैं सर। चलो ठीक है बेटा, फ्री में पढ़ा दे। तो जो भी बच्चा मुझसे सुबह 4 बजे पढ़ने आएगा, मैं उसे बिना फीस के पढ़ाऊंगा। 4 बजे? पर सर 4 बजे कोई नहीं आ पाएगा सर। मुझे पता है कोई नहीं आएगा, इसलिए ही 4 बजे बुला रहा हूँ। अगले दिन सुबह 4 बजे सर मैं अंदर आ जाऊँ। सुनो सुनो, हाँ सर, आपने तो कहा था तो विद्यार्थी सुबह जल्दी उठ कर आएगा, आप उसे फ्री में गणित पढ़ाएंगे। अरे अब्दुल, मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने सच मान लिया। सर, लेकिन मेरे और मेरे कुछ साथियों की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि हम आपकी फीस भर सके सर, लेकिन हमें आप ही से गणित पढ़ना है। चलो ठीक है अब्दुल, वैसे भी इंसान में पढ़ाई के लिए लगन होनी चाहिए, पढ़ाई के बीच में फीस बाधा नहीं बननी चाहिए। तुम्हारी यही लगन देख के मैं तुम्हें और तुम्हारे साथी विद्यार्थियों को बिना फीस के पढ़ाऊंगा। धन्यवाद सर। तो देखा आपने, किसको बेचेगा? सब एक गाड़ी ली, सबसे 10 पे ले रहे। कहाँ आ रहे हो? हमारे घर में कुछ कहाँ पर है, और तुम जैसे सड़क छात्रों को से मरवा दूंगा। जहाँ ऐसे वो सब तो ठीक है, पर बेटा तुम इस उम्र में बेटा, तुम्हारी उम्र के बच्चे स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई करते हैं, और तुम पढ़ना आता है तुम्हें? जी मैम साहब, जब मैं सुबह सुबह अखबार बेचने आता हूँ तो रास्ते में ही सारा अखबार पढ़ लेता हूँ। पूरा पढ़ लेते हो? जी मैम साहब। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बताओ नाम क्या है तुम्हारा? अब्दुल नाम है मैडम। बेटा बिल्कुल ऐसे ही जी तोड़ के मेहनत करते रहो, एक न एक दिन तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। धन्यवाद मैडम। सब ले लिए? प्रभात मैडम। धन्यवाद मैडम। बेटा नंदकिशोर, तुम इसके पास क्यों बैठे हो? अरे अब्दुल नीचे चल के बैठो। जी मैडम। अच्छा तो मुझे आज कौन बताएगा विज्ञान किन 2 शब्दों पर आधारित है? रश्मिकांत। पता था इस प्रश्न का उत्तर तुम ही दे सकते हो। कौन बोला? ठीक है बैठो, क्लास समाप्त हुई। मना करा है, उम्मीद है तुम्हें इस बात का अफसोस नहीं होगा। कोई बात नहीं मित्र, मुझे तो हर कक्षा में आगे की सीट से उठाकर पीछे ही भेज दिया जाता है, लेकिन मेरे लिए ये चीजें मायने नहीं रखती, क्योंकि जो लोग अपनी जिंदगी के कलम में मेहनत की स्याही भर देते हैं, उनकी तकदीर पन्नों पर नहीं आसमां पर लिखी जाती है। तो देखा आपने।